सब लोग बैठ जाए, प्लीज सब लोग बैठ जाए। और भैया पीछे भी अगर किसी माता शक्ति को बोलने का मन करे तो नाम भेज दे, माइक वहीं भेज दिया जाएगा। आने वाले वक्ता से मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि वक्ता काफी है लेकिन वक्ता की जो लंबी लाइन है मैं मानता हूं कि बहुत लंबा दर्द। मेरा निवेदन है, हाँ हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि अगला जो भी वक्ता है इसी बिंदु पर बोला, ये मेरी मेहरबानी है, ये मेरा निवेदन है। अगले वक्ता के रूप में मैं भाई आलोक नागर जी से अनुरोध करूंगा कि अपने मुखारविंद से की कसम खाई है 2022 दूर नहीं है। आपको आपकी औकात यहाँ की विधानसभा और लोकसभा में ये किसान बताने का काम करेगा। आप कब तक दमन करोगे, ये जनता है, जैसे ये जाग जाएगी आपको आपका घर दिखा देगी वापस, आपको मंदिरों और मठ में पहुंचा देगी। आपने ये बीड़ा उठाया है दमन करने का, तो इन किसानों ने, इन महिला शक्ति ने भी एक बीड़ा उठाया है इस देश के और प्रदेश के अमन के लिए। के साथ में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जवान, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पूरी टीम हमारे सभी भाई इसमें लगे हुए हैं। मनीष भाई ने दिन रात इसको बढ़ाने का काम किया है और मैंने पूरी तरीके से अपने संगठन की तरफ से आश्वासन, अब ये लड़ाई मुकाम पे पहुंचेगी और आज हमारी जो पंचायत है, हमारी जो कमेटी है सारे गांवों की, जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ किसान एकता संघ का एक एक कार्यकर्ता है। एक लड़ाई तो हम देश की लड़ रहे हैं, हमारा पूरे संगठन के कार्यकर्ता बॉर्डर गाजीपुर में बैठे हुए हैं और एक लड़ाई अपने गांवों ने दिया जाएगा। बेशक तो हमारे प्राण बचे ना बचे, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि पहले लड़े थे गौरव से। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुछ दलालों ने दलाली की होगी तुम्हारे साथ मिलके, कुछ दलालों ने दलाली की होगी तुम्हारे साथ मिलके, लेकिन जिला गौतम बुद्ध नगर की जनता जाग चुकी है। उन दलालों को काला मुंह होगा और तुम्हारा भी काला मुंह होगा अगर तुमने किसानों की बात नहीं सुनी तो। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। हमारे यहाँ पर अभी पील गांव से, अंधपुर गांव से, कैमराड़े गांव से, भोगपुर गांव से लोग आए हैं, किसान भाई आए हैं। आप लोगों का सबका स्वागत है, आप अपना स्थान ग्रहण करें और सब लोगों से दोबारा निवेदन करता हूँ। रोजगार की मांग है, युवाओं को रोजगार की मांग है, अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं रोकी तो गांव में जाकर हम काम भी रुकवाएंगे और यहाँ भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे हम लोग जब तक जलपान नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे। प्राधिकरण इन्हें अंदर भी नहीं बैठने देंगे, सारे गेट हम बंद कर देंगे। बिल्कुल 3,000 से 4,000 के बीच में लोग हैं और अभी हमारे रास्ते में किसान सभी पहुंच रहे हैं और हमारी ये मांग है 4 गुना मुआवजा को लेके, युवाओं को रोजगार को लेके, और यहाँ पे जो 20% है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी हम यहाँ से धरने से उठेंगे नहीं। किस देश में युवाओं के लिए है कि कम से कम 50% का यहाँ पे मतलब उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और हर बालिक को कम से कम नौकरी हो। कुटुंब मांग ये है कि जो इन्होंने हम अपना अधिग्रहण, जो हमारा अधिग्रहण होने वाला है, 4 गुने मुआवजे की हमारी मांग है। अगर इन्होंने हमें ये शहरी मानते हैं तो हमें सर्कुलेट बढ़ाना चाहिए और उसी को लेके हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। 80 गांवों के यहाँ किसान बैठे हुए हैं, लगभग 10,000 की तादाद में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, 15 दिन से बैठे हुए हैं, ये हमारी मांग है नहीं मान रहे हैं। और अगर इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी तो हम इनका काम रोको, फिर हम इनका काम रोकेंगे और हम अपनी लड़ाई को मंजार तक ले जाएंगे जब तक ये हमारी बातें नहीं मानेंगे। स्थानीय युवाओं के लिए 50% रोजगार की हमारी मांग है और पुनर्वासन की व्यवस्था है, जो हम ये लोग नहीं दे रहे, हमें अपनी पुनर्वासन की व्यवस्था चाहिए। देखो जी, हम आपके धरने पे बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं, हमारी मांग पूरी करो। हम यहाँ पड़े रहेंगे या भूखे हैं या प्यासे हैं, चाहे हम अपने घर के बाली बच्चे यहाँ रखने पड़े पर रहेंगे यहाँ, चाहे हमें आपके साथ में ये रोटी चटनी से ले रखे, ये रोटी चटनी से खानी मंजूर है, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे आपके साथ ही। कुछ भी करो, हमारे बालगन को हिला दो, 4 बेटे एक एक कहें उसकी कहाँ से बाहर शादी करेंगे, बताओ क्या करेंगे। हम लिए बैठे हैं, हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे पास कुछ रहा नहीं है, हमारी जमीन मंदिर में खरीदी गई है, हमें कोई मुआवजा नहीं दिया किसी ने, हमारे भोले किसान लूट खसोट करी गई है, हमारे बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला। हम जब तक ये सरकार ये ना सोचे
है, आप ये किसान उठ कर चले जाएंगे, ये ना सोचे मुझसे वाली ना करे। आज हमें मुझसे पागी हल्दी की गोट मुसा जोना मैं पंसारी बनकर बैठ गया। इन बिल्डिंग हम भी इतने नहीं पड़े रहे हैं, और कोई हमको चार गुना मुआवजा नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, चक्कर मारे कि जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है ये यहाँ से दादरी से लेके मुंबई तक है, 1483 किलोमीटर लंबी है, 6 राज्यों की इसमें जमीन जा रही है। हम पिछले 7-8 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो नया अधिग्रहण कानून देश में लागू हो चुका है 1 जनवरी 2014 से, उसके अंतर्गत जो किसानों को जो मुआवजा दिया जाना है वो बाजार दर का 4 गुना होना चाहिए, उनको 20% विकसित प्लॉट मिलना चाहिए, और सभी बालिक बच्चे जो किसानों के हैं 18 वर्ष की जिनकी उम्र हो गई उन सभी को रोजगार दिया जाए। इस मांग को लेकर के हम पिछले 15 दिन से यहाँ पर धरनारत हैं, और इसमें अब यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय स्तर पर लगभग 100 गांवों के लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो अभी जो प्राधिकरण के साथ हमारी 6 दौर की वार्ता हुई है उसमें उन्होंने कोई लखनऊ में अपना पत्र भेजा हुआ है कि शासन से उसमें कोई निर्णय आना है कि भाई नई कानून का लाभ देने की बात है, लेकिन अभी तक भी बार बार वो हमें समय मांग रहे हैं और 1 तारीख तक समय मांगा था, इसलिए हमने आज महापंचायत बुलाई कि हम आगे कोई ना कोई स्टेप आज निर्णय लेंगे।